Hello everyone, welcome. I am Rangarajan, Associate Director at Officers IAS Academy. इस वीडियो से मैं आपको Officers IAS Academy में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में बोलूंगा. So I am an ex-IAS officer of the 2005 batch. Not just me, this academy was started by Mr. Israel Jabasingh, who cleared this exam twice. पहली बार उन्होंने IRTS ज्वाइन किया, फिर IAS क्वालिफाई किए. नॉट जस्ट दैट, सीनियर एक्स IAS ऑफिसर्स, रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स, एक्स CRPF कमांडेंट्स. तो इस अकेडमी में मोस्ट ऑफ द फैकल्टी ऐसे हैं जिन्होंने ये एग्जाम्स खुद क्लियर किया हो. सो हम जानते हैं कि इस एग्जाम को कैसे अप्रोच करना चाहिए, एंड दैट इज द USP ऑफ आर अकेडमी. तो इस अकेडमी में हम एक स्कूल जैसा इसको रन करते हैं. तो वी आर वेरी स्ट्रिक्ट about our tests, about our daily assignments and various aspects. हम ये समझते हैं कि जो भी यहाँ पे join करते हैं उनको इस exam के बारे में पता है, but इसका content, इसका syllabus के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है. तो इसलिए हम scratch से start करते हैं. NCERT textbook, standard material सब दिया जाता है. And apart from this, one other important program इस academy में ऐसा है जिसको हम mentoring कहते हैं. तो हर एक कैंडिडेट के लिए एक मेंटर होंगे जो पूरे साल उस कैंडिडेट के साथ ट्रैवल करेंगे. तो क्लास में फैकल्टी क्लास एंड क्लास डाउट सब कुछ क्लियर करेंगे, एंड यहां पे जो फैकल्टी है वो सब फुल टाइम है, कभी भी एक्सेसिबल है. बट उसके अलावा ये जो मेंटर है, ही विल हैंड होल्ड द कैंडिडेट ओवर द वन ईयर. एवरी 15 डेज और वंस इन 3 वीक्स द मेंटर विल मीट द कैंडिडेट 30 मिनट के लिए, एक घंटे के लिए, जितना भी टाइम लगे, जस्ट टू सी वेयर द कैंडिडेट इज गोइंग रॉन्ग, व्हाट आर द इनपुट्स दैट कैन बी गिवन, जहां जो वीक एरियाज है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए. ये साइंटिफिकली एक मेंटरिंग प्रोग्राम के थ्रू हम करते हैं. और क्लासेस के अलावा यहां पे हर हफ्ते कंपल्सरी टेस्ट होगा. प्रीलिम्स के लिए टेक्निक्स जो है वो सिखाया जाएगा. मेंस में जो नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए, हाउ टू राइट द आंसर्स, उसके लिए हम सेपरेट क्लासेस रखेंगे. एंड देयर इज अ वीकली टेस्ट, एंड विदाउट अटेंडिंग द टेस्ट वी डोंट अलाउ द कैंडिडेट्स टू अटेंड द क्लासेस. सो वी आर वेरी पर्टिकुलर दैट द वीकली टेस्ट इज टेकन बाय एवरी कैंडिडेट. हर कैंडिडेट को वीकली टेस्ट कंपलसरी लेना ही पड़ेगा, विच विल गिव अ प्रैक्टिस बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस. इसके अलावा करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सिविल सर्विस एग्जाम के लिए. तो हम करंट अफेयर्स के लिए हर हफ्ते एक मॉड्यूल रखेंगे, एक क्लास होगा. एक मैगजीन है हमारा खुद का जिसको पल्स मैगजीन कहते हैं, जो वीकली करंट अफेयर्स को समराइज करेगा. एंड सो अपार्ट फ्रॉम दिस, देर आर ऑल्सो डेली असाइनमेंट्स ऑन 3 to 4 टॉपिक्स, जिसको करते करते आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स और उसके लिंक स्टैटिक पोर्शन भी एक रिविजन एंड अंडरस्टैंडिंग जैसा हो जाएगा. सो द की इज, वी एज आई टोल्ड यू, वी रन इट लाइक अ स्कूल. In the sense, we are all mature adults. You are all mature adults who are candidates for this exam. But the discipline we want in that single-minded focus towards this exam, वही सबसे बहुत important चीज होती है civil service exam के लिए. And we have a set module, a set program, which takes into account every minute detail of this exam. And यहाँ पे reading rooms available है. Class के बाद आप reading rooms के use कर सकते हैं. This is a pan-Indian अकेडमी इन द सेंस, हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, बंगाल से आते हैं, गुजरात से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, साउथ इंडिया सब स्टेट से हैं. तो यू विल गेट मल्टी कल्चरल कॉस्मोपॉलिटन फील इन दिस अकेडमी. एंड जो भी स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं वहाँ, उनके लिए यहाँ पे हॉस्टल के फैसिलिटीज अरेंजमेंट के लिए भी हम इंतजाम करते हैं. सो द की इज to come here with that dedication, and हम आपको संभाल लेंगे for focusing on the right way for this exam. और इसके अलावा बहुत सारे students को ये भी doubt होती है कि optional कौन सा choose करें. हमारे पास सारे options, जो भी social sciences, science, medical science, mathematics, सभी options यहाँ पे offer किया जाता है. And we will assist you in choosing the right optional based on your interest and your competence and your background. Thank you.